लेकिन बजट को लेकर एक और ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास, जहां खेती को बढ़ावा देने के लिए अब टैक्स में छूट संभव। खेती के उपकरणों और मशीनों पर भी ये छूट बढ़ सकती है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए फर्म्स को भी अब टैक्स छूट संभव है। कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी नए ऐलान हो सकते हैं। हालांकि खेती को आधुनिक बनाने के लिए जीएसटी में भी छूट संभव है। गौरव, इस लिहाज से देखा जाए तो नजर सभी की रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और हालांकि इनकी तरफ से डिमांड्स भी हर बजट में ज्यादा होती है। नहीं, देखिए आज का आर्थिक सर्वे अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अहम बताया गया है कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे सरकार की नीतियों का फायदा मिल रहा है और इस सेक्टर में आगे विकास देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक आप एग्री सेक्टर की बात कर रही हैं और आप एग्री स्टार्टअप्स की बात कर रही हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये बहुत पुख्ता जानकारी ये कहती है, बहुत मुमकिन है कि इस बार किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जाती है 3 किस्तों में 2,000 करके 6,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है, 4 किस्तें दी जा सकती हैं। लेकिन इसी के साथ सरकार बहुत टाइट स्क्रूटनी कर रही है, 13वीं किस्त आनी है, 12वीं किस्त जब आई थी सुरभि तो करीब 10.5 किसान थे जिनको 22,000 करोड़ का से ज्यादा का भुगतान हुआ था, लेकिन इस बार 13वीं किस्त जब 12वीं किस्त जारी की गई तो किसानों की संख्या घटकर 8.5 करोड़ रह गई। यानी जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार काफी यहां पर लगाम कस रही है। दूसरा स्टार्टअप्स को लेकर, स्टार्टअप्स पे अभी हम और बात करेंगे, लेकिन स्टार्टअप्स को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है उनका रजिस्ट्रेशन। सरकार जिन मानकों पर स्टार्टअप्स को छूट देती है, देश में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, हालांकि सभी एग्री स्टार्टअप नहीं लेकिन उसमें एक बड़ा चंक उनका है, उनको छूट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो जिन मानकों के तहत स्टार्टअप्स को छूट दी जाती है 3 साल तक की टैक्स में छूट, वो उन तक नहीं मिल पा रही। तो ये भी एक बड़ी मांग इंडस्ट्री की कि एक तरफ किसानों को खेती के जो उपकरण जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको खरीदने के लिए उनकी कमाई बढ़ाई जाए किसान निधि से, और भी बहुत दूसरे तरीकों से बीज खाद जो तमाम तरह का उनका कच्चा सामान है उसको खरीदने की उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, और दूसरा स्टार्टअप्स के जरिए और इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए।